कोविड के मद्देनजर आज धर्मगुरुओं से संवाद करेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता पर होगी बात। दिल्ली में साकेत और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन स्थायी रूप से बंद, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर फैसला। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों का उल्लंघन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। नोएडा में कोविड नियमों की उड़ रही है धज्जियां, बस स्टैंड में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की भी अवहेलना। पुणे के एपीएमसी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, काफी ज्यादा लोग बगैर मास्क के भी दिखे। लॉकडाउन की आहट से देश में महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों से पलायन शुरू, स्टेशन पर कामगारों की दिखने लगी लंबी कतार। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन का हो सकता है ऐलान, उद्धव के मंत्री बोले पूर्ण तालाबंदी की तैयारी पूरी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान, कहा कि लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार है, सीएम को लेना है अंतिम फैसला। महाराष्ट्र के मंत्री का बयान, कहा केस बढ़ने की वजह से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। मुंबई के विनायक अस्पताल में हंगामा, 7 कोरोना मरीजों की मौत के बाद हंगामा। मृतकों के परिजनों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मरीजों की मौत, अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में दर्ज किए गए 51,751 नए मामले, 258 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले आए सामने, 43 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में नागपुर में कोरोना के 5,661 नए मरीज आए सामने, 69 लोगों की हुई मौत। पुणे में 6,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची, जिला कलेक्ट्रेट के मुताबिक इन सभी इंजेक्शन को सीधे अस्पतालों में भेजा जाएगा। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 72 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में 553 कोविड बेड बढ़ाने का आदेश, इन अस्पतालों में बिना वेंटिलेटर के 487 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली के 14 निजी अस्पताल पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल घोषित किए गए हैं, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीरो सर्वे, छठे सीरो सर्वे में कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे, हर वार्ड से 100 सैंपल। दिल्ली में घर घर जाकर लगाई जाए कोरोना वैक्सीन वाली याचिका पर आज सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। देश में कोरोना का कहर, 24 घंटे में फिर 1,61,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 879 लोगों की गई जान। अधीर रंजन चौधरी की चुनाव आयोग से मांग, कोरोना रोकने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। भारत को मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी की मिली मंजूरी। भारत में रेमडेसिविर के लिए महामारी, WHO ने कहा कि कोरोना के इलाज में प्रभावी होने के सबूत नहीं। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार को लेकर पीएम मोदी कल करेंगे महामंथन, उपराष्ट्रपति समेत सभी राज्यपाल होंगे शामिल, कोरोना संक्रमण और वैक्सीन पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा जानवरों से भी फैल सकता है कोरोना, स्वास्थ्य मंत्री ने जानवरों से दूर रहने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौतें, अकेले लखनऊ में 21 लोगों की गई जान, यूपी में 13,685 नए केस। हरिद्वार में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए कोरोना के 349 नए मामले। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल, शवों को रखने के लिए फ्रीजर में जगह नहीं, रायपुर में पिछले 48 घंटे में 80 लोगों की मौत। कोरोना कर्फ्यू की वजह से भोपाल की सड़कों पर प्रशासन की सख्ती, बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,489 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक दिन में 37 लोगों की मौतें हुई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, भोपाल में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। जबलपुर से सामने आए खाके की अमानवीय तस्वीर, एक ही हथकड़ी में कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का करा दिया पैदल मार्ग। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 13,576 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 107 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ सियासत भी तेज, सीएम बघेल का आरोप, केंद्र से मिले 69 में से 58 वेंटिलेटर नहीं कर रहे काम। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, नई गाइडलाइन लागू करने के बाद भी बढ़ती जा रही लापरवाही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी अस्पतालों को भी आरक्षित रखना होगा 50% बेड।
गुजरात में कोरोना के 6021 नए मामले आए सामने, जबकि 55 लोगों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5692 नए मरीज, 11 मरीजों की मौत हुई। राज्य में कुल एक्टिव केस 47596। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 961 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना के चलते राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, बिना परीक्षा लिए कक्षा 6 और 7 के बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। चुनाव के बीच बंगाल में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 4511 नए मरीज। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद, लोग मंदिर के बाहर से ही कर रहे दर्शन। दौर में कोरोना संक्रमण की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद किए गए, मंदिर के बाहर से ही इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं दर्शन। कुछ देर में चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठेंगी ममता बनर्जी, कोलकाता के गांधी मूर्ति पर दीदी देंगी धरना। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का कड़ा एक्शन, आज रात 8 बजे तक रैलियों और भाषणों पर रोक, मुस्लिमों से टीएमसी को वोट देने की अपील मामले में कार्रवाई। बंगाल में ममता बनर्जी की आज होने वाली थी 4 रैलियां, नॉर्थ 24 परगना और नादिया में होनी थी चुनावी सभा। ममता पर 24 घंटे के बैन पर बोले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन, चुनाव में आप हरा नहीं सकते तो बैन कर देते हो।